बिग बॉस के फिनाले की घड़ी नजदीक आ गई है, बस चंद मिनट रह गए हैं और कौन जीतेगा बिग बॉस, शिल्पा शिंदे, विकास, हिना खान या फिर पुनीत शर्मा? हमारे साथ जुड़ गई हैं किशोर मर्चेंट भाई, ये खुद बिग बॉस में रह के आई हैं, विकास को अच्छे से जानती हैं, इन्होंने शिल्पा के साथ काम किया है, हिना इनकी फ्रेंड है, माई गॉड शी हैज़ सो मच कनेक्शन विद बिग बॉस, इसलिए किशोर हमें सही जानकारी दे पाएंगे कि कौन जीतेगा बिग बॉस। तो किशोर, बस चंद घंटे रह गए, आपको लगता है किसके स्तर पर सजेगा ये किताब? वेल, चाहती तो मैं हूँ कि विकास ही जीते, बिकॉज आई एम टोटली रूटिंग फॉर हिम, और आई थिंक उसका जो पूरा यू नो उसकी पूरी जर्नी जो रही है बहुत अच्छी रही है, इनफैक्ट शिल्पा की भी अच्छी रही है। आई एम काइंड ऑफ ओके अगर शिल्पा या विकास में से यू नो कोई एक जीते, बट आई एम डेफिनेटली रूटिंग फॉर विकास, तो मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। बट येस, आई मस्ट से कि ट्विटर पे और मतलब ट्विटर पे ही एक्चुअली मैं ज़्यादा चेक करती हूँ, तो उस पर शिल्पा की जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो उसके यू नो फैंस लगे हुए हैं ट्वीट्स करने में और यू नो मतलब ट्रेंड करवाने में उसे, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल, बिकॉज इट्स सीरियसली लाइक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, एंड दे आर रियली डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, सो आई जस्ट होप द बेस्ट मैन और वुमन विन, या बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़, सब कुछ खत्म हो चुका है बट नाउ यू नो एक फैसले की घड़ी बची है, दैट्स इट। सो इस बार का जो बिग बॉस था काफ़ी अलग था, क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉर हो रही थी, मतलब फैंस का बन गए ट्विटर पे ये कभी, तो एक तरह से एक अनोखा बिग बॉस था, और आपके बिग बॉस से मैं कंपेयर कर रही, बस सोशल मीडिया बहुत हावी रहा, तो सोशल मीडिया ने कितना रोल निभाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, इन पांचों को चारों को पहुँचाने में, और अब जो चल रहा है तो सोशल मीडिया ऐसा लग रहा है कि अलग बिग बॉस है? वेल, बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्विटर की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, सो बट इट वॉज गुड फन, बिकॉज आई थिंक दिस सीज़न वॉज अ वेरी गुड सीज़न, एंड ऑब्वियसली हमारे सीज़न से कंपेयर करो तो हमने कुछ नहीं किया इनके मुकाबले, बिकॉज दे रियली लाइक गिवन सो मच मसाला, हमारे सीज़न में कुछ नहीं था, हम सिर्फ टास्क करते थे और उसी में खुश रहते थे, बट इस सीज़न में बहुत कुछ हुआ, एंड हमारे भी काफ़ी फैंस से या पीआर है या जो भी है डैमेज कंट्रोल वट एवर यू कॉल इट, तो उनसे भी काफ़ी सारी तू तू मैं हुई है, बहस हुई है, बट जैसे कल मैंने उनके लिए ट्वीट भी किया कि फाइनली लास्ट डे है गाइज, एंड आई एम रियली गोइंग टू मिस यू गाइज, बिकॉज यू नो आप भी काफ़ी एक्टिव थी और क्लोजली फॉलो कर रही थी ये सीज़न, लिटरली बहुत क्लोजली, जब भी मिस भी होते थे एपिसोड्स द नेक्स्ट डे आई वुड मेक श्योर कि मैं देखूँ, तो ताकि मुझे पता चले कि जब सैटरडे सलमान आने वाले हैं तो क्या एक्चुअली होने वाला है और क्यों होने वाला है, सो दैट इज़ व्हाई आई वाज फॉलोइंग इट, एंड आई रियली एंजॉयड द सीज़न अ लॉट। एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस बार के सारे कंटेस्टेंट बहुत एंटरटेनिंग थे, लेकिन शिल्पा शिंदे, विकास, हिना, पुनीत, इन सब में सबसे एंटरटेनिंग कौन था, अगर एंटरटेनमेंट की बात करो? आई थिंक शिल्पा वॉज रियली एंटरटेनिंग, बिकॉज यू नो जब वो पूरा रॉकी वाला सिलसिला भी हुआ था, जब वो आया था घर और जिस तरह से वो रो रो कर मुझे घर ले जाओ, तो वो बहुत फनी था, मुझे वो बहुत फनी लगा था, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ व्यूअर्स फाउंड इट फनी, इट वॉजंट डन इन बैड इंटेंशन मुझे लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड अदरवाइज ऑल्सो शी वॉज वेरी एंटरटेनिंग, नाचती जिस तरह से हैं वो, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, आई थिंक आकाश ददलानी ऑल्सो वॉज वेरी एंटरटेनिंग इन टर्म्स ऑफ जब वो गाने बनाते थे, जिस तरह के यू नो वो इंटरेस्ट लेते थे, तो वो सब में, एंड अदरवाइज आई थिंक एवरीबडी इज़ डन अ फेयर जॉब, बीच में ऐसा हो गया था कि इट वॉज ओनली विकास एंड शिल्पा ऑल द वे, बट और दूसरे कंटेस्टेंट्स बिल्कुल नहीं दिखते थे, बट अब जाके वो लोग फाइनली दिखने लगे, एंड यू नो दे gave a lot of masala and entertainment. किशोर के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हमेशा खरी खरी बोलती हैं और सच को सच कहती हैं, और कभी कभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज में भी आ जाती हैं, तो आप भी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में जुड़ी रही, तो इनफैक्ट जब मैं विकास को भी आई एम रूटिंग फॉर हिम, बट अगर उसने कुछ गलत किया इन द हाउस तो आई हैव सेड कि यू नो दिस आई डिडंट लाइक या दैट आई डिडंट लाइक अबाउट हिम, ही शुडंट हैव डन दिस, लाइक आई वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द फैक्ट कि वो हीना से दोस्ती क्यों कर बैठे, बिकॉज वो ऐसा लग रहा था कि हीना के इन्फ्लुएंस में आके यू नो ही इज़ डूइंग थिंग्स रॉन्ग ऑल्सो, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, तो अगर वो ऐसा किया तो मैंने बोला यू नो, और जो फिर हीना के साथ वो मम्मी की तस्वीर को लेकर वो भी जो किया, तो देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू डू दैट, तो आई कम्प्लीटली सेड इट, बट नॉनदलेस उनकी जस्ट फॉर दिस आप उनके पूरे जर्नी को अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड कंटेंडर टू विन द शो। विकास की मैं बात करूँगा, तो विकास ने काफ़ी आपके साथ लंबा सफ़र रहा है, तो विकास की कैसी यादें जुड़ी हुई हैं साथ में, कब आप लोग मिले थे? If we go back to the nostalgia. Well, he's been a Hippie Puri fan
ओके एंड दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी जब हम पहली बार मिले थे कि मैंने हिप्पे भूरे देखा है एंड आई रियली यूज्ड टू लाइक यू एंड द शो एंड मतलब ही इज़ टोल्ड मी सीन्स एंड डायलॉग्स फ्रॉम हिप्पे भूरे जो मैं भी भूल गई थी तो वो सब उसने मुझे बताया तो वैसे हमारा कनेक्शन हुआ एंड देन ऑफकोर्स आई वर्क विथ हिम कैसी है यारिया में उसी ने मुझे कास्ट किया था तो ऐसे करके हमने काम करना शुरू किया एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम बिकॉज ही इज़ अ गुड प्रोड्यूसर ही इज़ अ गुड मेकर ही डज डिफरेंट काइंड ऑफ शोज ही डज वेरी यूथ ओरिएंटेड शोज सो आई काइंड ऑफ लाइक हिम एंड ही इज बिन अ फ्रेंड ही इज नोन सुयश फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो एक कनेक्शन बन गया एंड दैट्स हाउ यू नो फ्रेंडशिप है सर जाते जाते बस क्या कहना चाहेंगे यही कि मैं चाहती हूँ कि विकास जीते अगर शिल्पा भी जीत गई तो मैं खुश रहूँगी पर उसके अलावा और कोई नहीं जीतना चाहिए प्लीज़ और किसी को मत जिताना इन दोनों के अलावा थैंक यू सो मच तो किश्वर तो शूटिंग पर चली गई हैं उनका सीन है लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनका कनेक्शन है रोहित सुकांती हमारे साथ हैं रोहित हम लाइव हैं इस वक्त दर्शकों के साथ तो रोहित और विकास भी इनका एक अच्छा लंबा कनेक्शन रहा है तो रोहित बिग बॉस का फिनाले एकदम सर पर आ गया है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बिग बॉस बिग बॉस का फिनाले आ चुका है एंड सब लोग होप कर रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि विकास ही जीते लेकिन जैसा हर जगह शोर हो रहा है कि शिल्पा शिंदे हर जगह लेकिन पर्सनली वी ऑल वांट हमारे जो फ्रेंड्स सर्कल है सब लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि विकास ही जीते एंड क्योंकि विकास वॉज अ कॉमनर घर में जाने से पहले लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से खेला है वो सेलिब्रिटी जो हीना खान और शिल्पा शिंदे सेलिब्रिटी का टैग लेके आए थे उनसे भी उन्हें ओवरकम कर दिया उन्होंने मुझे लगता है एंड इतना अच्छा परफॉर्म किया जो जितना अच्छा आज तक किसी ने बिग बॉस के घर में किया नहीं है सो आई जस्ट होप एंड होप फॉर द बेस्ट कि विकास ही जीते एंड जल्दी से आके कल आ जाएंगे आई थिंक कल आ जाएंगे आज रात ही आ जाएंगे तो कल हमें बहुत अच्छी सी पार्टी दें तो ये बताएं कि विकास जब आए थे उनकी पर्सनालिटी कुछ और थी उन्हें काफ़ी घर में काफ़ी कुछ झेलना पड़ा लेकिन एज एक्चुअली वो घर है ही जहाँ पे आपको झेलना पड़ेगा लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने खेला है वो रियल लाइफ में जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट कॉपी जो उन्होंने अंदर किया है वैसे की वैसे ही है एंड वो एक्चुअली सबको सपोर्ट करते हैं सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं एंड उन्हें सोल्यूशंस बताते हैं ताकि वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएँ लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से खेला है ना ही वॉज अमेजिंग तो हीना और शिल्पा की टफ कंपटीशन दे रही है उन्हें हीना को तो पता है पर्सनली मुझे हीना खान पसंद नहीं है लेकिन शिल्पा शिंदे जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो बस उस उन्हीं का डर है लेकिन बाकी जिस हिसाब से खेला गया है सब ने जो सबका इंडिविजुअल गेम है उस हिसाब से अगर आप किसी को जज करेंगे या किसी को चाहेंगे जो जीतेगा वो ऑब्वियसली विकास है तो और विकास की फैमिली या फ्रेंड से कैसा रिएक्शन है कैसा बज है विकास की इस पूरी पिक्चर को लोग हम लोग इंस्टाग्राम हर जगह सब लोग पोस्ट करें कि विकास को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले और हर जगह हमने डाला भी है कि प्लीज़ वोट विकास सबको बोलते आ रहे हैं एंड सिद्धार्थ और जो उनके भाई हैं एंड उनकी मम्मी लोनावला गए हुए अभी फिनाले के लिए तो लेट्स होप आज क्या रिजल्ट आता देखते जस्ट होप फॉर द बेस्ट कितना फॉलो किया आपने बिग बॉस इस सीजन में शूट के कारण मैं इतना फॉलो नहीं कर पाया लेकिन कोशिश पूरी की जब भी घर जाता था या फिर वूट पे देख लेता था बिग बॉस लेकिन मोस्टली मैंने मम्मी के साथ बैठ के मम्मी मेरा एक भी एपिसोड मिस नहीं करती बिकॉज ऑफ प्रियांक एंड बिकॉज ऑफ विकास क्योंकि दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तो मैंने कोशिश की है सारे एपिसोड्स कैच करूँ लेकिन जितना नहीं कर पाता था वो बाकी जो बचते थे वूट पे देख लेता था तो अगले साल क्या हम आपको देख पाएंगे बिग बॉस में मौका मिला जाएंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं थैंक यू पर आप क्या मतलब बिग बॉस में अगर मौका मिला तो कभी सोचेंगे मौका मिलेगा तो 5-6 साल बाद सोचेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई प्लान सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना है जाते जाते क्या कहना चाहेंगे बस कुछ ही घंटे रह गए जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जितना अब तो वोटिंग लाइन्स भी बंद हो चुकी है और मैं बस इतना कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो आपने विकास को इतना सपोर्ट दिया है एंड जस्ट वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि विकास गुप्ता ही जीते थैंक यू सो मच तो अब नतीजा आने वाला है जल्द ही तो आप बने रहें हमारे साथ क्योंकि बिग बॉस फिनाले की हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे अमित त्यागी मुंबई आज तक